आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल हुए अखिलेश यादव ने वहां पर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे खिलाफ फैला रहे हैं, वो गठबंधन से पूरी तरह से डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में दरार बनाई जाए और इन दोनों पार्टियों को एक साथ आने से रोका जाए ताकि 2019 से पहले महागठबंधन ना बन पाए और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल पाए। दरअसल अखिलेश यादव ने अमित शाह की बात को बताते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले अमित शाह ने कहा था कि मेरे पिता को मारते हुए एक फोटो उत्तर प्रदेश में व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल कराई गई ताकि मेरी इमेज को धूमिल की जाए और मेरे को सबसे खराब नेता बताया जाए उत्तर प्रदेश में, और लगातार मेरे इमेज को खराब करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिसके बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर और निशाना साधा और उनसे कहा कि महागठबंधन तो किसी भी कीमत पे बन के रहेगा, चाहे इसके लिए भाजपा को जो करना है वो करे, जितना फेक न्यूज फैलाना है फैलाए, लेकिन भाजपा को ये समझ लेना चाहिए कि गठबंधन आखिरकार बनकर रहेगा, क्योंकि जब जब जनता की बात होगी तो गठबंधन बनेगा और गठबंधन बनने से हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, आप अखिलेश की बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।